नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 14.1। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला पहले जान लीजिए कि क्या फॉर्मूला है। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। एन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये देखिए। अब फिर सेकेंड फार्मूला क्या है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स ए माइनस पी। ठीक है, जहाँ पे देखिए ए का मतलब अमाउंट होता है, पी मीन्स प्रिंसिपल होता है, और आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या क्या निकालना है, ए भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ठीक है, जिसमें हमें दोनों फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट जो दिया है उसको हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ड्यूरेशन दिया है, हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसमें प्रिंसिपल कितना दिया है, 2000, और यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो है हमारा 2। तो देखिए, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमारे पास ए होना चाहिए, इसलिए हम पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या है उसका फॉर्मूला, सबसे पहले इधर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इधर एन। अब इधर हम वैल्यू लिखते हैं, पी मतलब क्या है 2000, तो यहाँ पे 2000 लिखते हैं। 1 प्लस आर मीन्स 5 अपॉन 100, यहाँ पे 2। अब देखिए, ये 2000 को इधर ऐसे रहन देते हैं, 100 बन जा 100 प्लस 5 अपॉन 100 2 2000, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 100, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, मतलब टू टाइम है, इसलिए मैंने टू टाइम लिखा। ये देखिए, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइड बाई 10। तो जब हम सब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 और ये 10। अभी यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आया हमारा अमाउंट, कितना आया 2205। ये क्या है, हमारा अमाउंट है। अभी देखिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी मीन्स 2205 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2000, और जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 205। तो ये देखिए, हमने अमाउंट भी निकाला और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला। ठीक है, तो हम लास्ट में आंसर में लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 2205 मीन्स 2205, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 205। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारा दिया है 5000, और जो आर है वो 8 है, और नंबर ऑफ ईयर्स हमारा 3 है। तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले अमाउंट पी 1 प्लस आर 100 टू एन। वैल्यू को लिख लेते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5000 1 प्लस आर मीन्स 8 अपॉन 100 और रेस टू 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5000 ये हो जाएगा 100 बन जाओ 100, तो 108 अपॉन 100 3। अब देखिए, इसको क्या करते हैं हम, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो जो ऊपर बचा है इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाले को भी एक साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे,
फाइव इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन, ये देखिए ये जीरो और ये दो जीरो मिला के हो जाएगा 30। और देखिए जब हम इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 629,8560, मतलब 62,98,560 अपॉन 1000। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं। और देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, आपको इसमें डिवाइड करने की इतनी बड़ी बड़ा ज़रूरत नहीं है। देखिए जीरो है ना, तो कितना जीरो है हमारे पास, दो जीरो है, तो ये 1 2 यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर आ गया 2,6298.56, तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी। तो हमारा अमाउंट कितना आया, 6298.56 माइनस, हमें हमारा प्रिंसिपल कितना है 5000, हम इसको अब माइनस करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। चलिए अभी मैंने माइनस कर लिया है तो आंसर आया है 1298.56। ठीक है, तो इसका ये देखिए, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और जो हमने पीछे निकाला वो क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो अब लास्ट में आंसर करके लिख सकते हैं, अमाउंट हमारा कितना आया है 6298.56 और कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, देखिए तो ये हमने कर लिया। अब चलिए जो हमारा थर्ड वाला था वो भी हम कर लेते हैं। थर्ड वाले में प्रिंसिपल दिया है 4000 और आर दिया है 7.5% एंड नंबर ऑफ इयर्स हमारा दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें भी हमें सेम फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। तो पी मीन्स यहाँ पे 4000 है, 1 प्लस आर यहाँ पे 7.5 अपॉन 100 रेज टू 2, ये हो जाएगा 4000। और इसको हम जब 100 बन जाए 100 और 100 को जब उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 107.5 अपॉन 100। अब देखिए ये हो गया 4000 और यहाँ पे 1075, अगर हम पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये 4000 इंटू 1000 इंटू, ये हम 2 टाइम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए। अभी 0000 कैंसिल हो गया, अभी इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स 4 इंटू 1075 इंटू 1075 अपॉन 100, और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना जीरो बचा है, ओनली 10। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पिछले वाला किया था, देखिए अभी मैं इधर लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। 10, अभी देखिए हमें पॉइंट कहाँ लगाना पड़ेगा, एक नंबर छोड़ के, जैसे यहाँ पे 2 जीरो था, ये देखिए जैसे हमने पिछले वाला सम किया, यहाँ पे 2 जीरो था तो 1 2, तो दो मतलब दो नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाया था, यहाँ पे क्या है, 1 जीरो है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4622.5, तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अभी चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 4622.5 माइनस 4000। अब हम इसको माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारा कितना आंसर आता है, तो इसको माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा ₹622.5। तो ये देखिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों आ गया। तो हम लास्ट में आंसर लिख देते हैं, अमाउंट कितना आया है 4622.5 रुपीज़, एंड जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था ₹622.5। तो ये देखिए हमारा थर्ड वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है कि समीर राव है टेकन
अपना लोन ऑफ रुपीज 12,500, उसने बैंक से क्या किया है, लोन लिया है कितना, 12,500। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया है। उसके बाद देखते हैं एट अ रेट ऑफ 12%, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे आर है, फॉर 3 ईयर्स इट मीन्स एन। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या निकालना है, हमें इसमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, बस इसमें अमाउंट ही निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 रेज टू एन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 12,500, 1 + 12/100 और यहाँ पे 3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको 100 बन जाए 100 और 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 112/100 रेज टू 3। फिर यहाँ पे 12,500 इंटू 112/100, 112/100, 112/100। ऐसा हमने 3 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब है। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सबका हम क्या करते हैं, एक साथ ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे का भी मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, हंड्रेड इंटू हंड्रेड। अब देखिए इन सब का जब हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 175,616,000 और नीचे आ जाएगा कितना, 10,000। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, फिर ये 10 से 10 मीन्स हमारे पास कितना अमाउंट बचा है, 175,616/10। अब देखिए हम लास्ट में इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है एक नंबर छोड़ के, तो 175,616/10। तो ये देखिए हमारा अमाउंट क्या हो गया, आ गया। ठीक है, देखिए हम लास्ट में इसका आंसर लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, हमसे पूछा था कि कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, तो हम इसको लिखते हैं ही शुड पे रुपीज 17,561.6 टू क्लियर हिज लोन। ठीक है, अब चलिए थर्ड वाला करते हैं। ये देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था इसमें क्या दिया, ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया वैसे ये भी है। देखिए टू स्टार्ट अ बिजनेस सलाका हैज टेकन अ लोन रुपीज 8,000, बिजनेस स्टार्ट करना था किसको, सलाका को, तो उसने लोन लिया रुपीज 8,000 का, इट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है कितना, 8,000। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 10, उसके बाद क्या दिया है, 1/2, तो ये हमारा रेट हो गया 10 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 10.5%। आफ्टर 2 ईयर्स इट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स हो गया हमारा 2, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल सी हैव टू पे। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला पहले होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अगर हम अमाउंट निकाले रहेंगे तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब 1 + R/100 रेज टू एन, तो P हमारा है 8,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10.5 / 100 2, ये हो गया 8,000 और यहाँ पे 110.5/100 रेज टू 2, फिर ये 8,000 और यहाँ पे जैसे हमने पिछली बार किया था, ये देखिए 100.05 क्या हो जाएगा, ये जो अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा और ये स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1,000 फिर
1105/1000, ठीक है, क्योंकि हमने हम इसको टू टाइम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ये देखिए, जीरो से जीरो, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अब जो न्यूमरेटर है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है कितना, 97,68,200/1000। तो यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना है, 97,682/10। अब देखिए हमें लास्ट में इसका आंसर क्या मिलेगा, ₹9,768.2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा आया है 9,608.2 माइनस 8,000। ये देखिए, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,768 रुपीज। तो ये देखिए, हमने हमारा 14.1 सॉल्व कर लिया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।